हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं मथुरा में, या फिर आप कह सकते हैं वृंदावन में। दोनों ही जगहें आसपास में हैं और ये पड़ती है उत्तर प्रदेश में। वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं और इतने सारे मंदिर हैं कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, पर मंदिर नहीं ख़त्म होंगे। और यहाँ पे हज़ारों मंदिर हैं और उसमें आने वाले लाखों करोड़ों भक्त भी हैं। तो वृंदावन या फिर मथुरा आप कैसे घूम सकते हैं, यहाँ का आपका टूर प्लान क्या होगा, बजट क्या होगा, वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए मेरे साथ घूमिए वृंदावन और मथुरा। मथुरा में रेलवे स्टेशन है और देश के काफ़ी मेजर रेलवे स्टेशन से यहाँ की डायरेक्ट ट्रेन भी है। दिल्ली से भी मथुरा केवल 183 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दिल्ली पहुँचकर भी आप बस, टैक्सी या ट्रेन से सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। मथुरा से वृंदावन के लिए हर समय आपको ऑटो भी मिल जाएगी। मथुरा और वृंदावन के लगभग सभी मंदिर दोपहर में 12 से 5 बजे के बीच बंद रहते हैं, तो आप सुबह 6 से 7 बजे ही दर्शन के लिए निकल लें। मैं सबसे पहले मथुरा से वृंदावन शेयरिंग ऑटो से गया, जिसके 30 रुपये लगे। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो सबसे पहले मैं वहीं गया। बांके बिहारी जी का मंदिर सुबह 8 बजे के आसपास खुल जाता है और 12 बजे दोपहर में बंद होता है। इसके बाद शाम को 5:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर कृष्ण राधा जी की छोटी छोटी मूर्तियों, कपड़ों और प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाइयों और खाने पीने की सैकड़ों दुकानें हैं। इसके बाद यहीं पास में बसे राधा वल्लभ टेम्पल में जाएं, इसकी भी टाइमिंग लगभग सेम ही है। इन दोनों मंदिर में दर्शन के बाद आप वर्ल्ड फेमस इस्कॉन टेम्पल में जाएं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर है और यहाँ भी बहुत सारे भक्त आते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति में हर कोई आपको सराबोर दिखेगा। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी है और यहाँ पर फूड कोर्ट भी है। आपको कभी कभी यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद भी मिल सकता है। इस्कॉन टेम्पल फॉरेनर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है और मंदिर में और इसके आसपास में आपको काफ़ी विदेशी कन्हैया भक्त मिलेंगे। वृंदावन में मैं कई मंदिरों में गया, बट हर जगह फोटो वीडियो कुछ अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर नहीं जा सकता। इस्कॉन टेम्पल से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रेम मंदिर है, ये भी वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत सारे भक्त यहाँ भी आते हैं। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण की झांकियाँ और बेहद खूबसूरत स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। यहाँ इस तरह की कारीगरी पूरे टेम्पल में देखने को मिलेगी। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर का सीन नहीं दिखा सकता हूँ। इन मंदिरों के अलावा भी यहाँ आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं। इसके बाद ऑटो से आप गोवर्धन के लिए जाएं, जो कि वृंदावन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और शेयरिंग में लगभग 40 रुपये पर हेड लगता है। यहाँ पर आप गिरिराज टेम्पल में जाएं, जहाँ काफ़ी भक्त अनाज चढ़ाते हैं। गोवर्धन में बहुत सारे भक्त आपको पैदल परिक्रमा करते हुए दिखेंगे। यहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने की मान्यता है, जिससे भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहीं पास में मानसी गंगा भी है, जहाँ काफ़ी लोग स्नान करते हैं और फिर गिरिराज मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ पर हर कोई आपको भगवान कृष्ण के रंग में रंगा हुआ दिखेगा। गोवर्धन में दर्शन के बाद आप वापस मथुरा आ जाएं। यहाँ पर आप द्वारकाधीश मंदिर में जाएं, जो कि यमुना किनारे पर है। ये मंदिर भी काफी सुंदर है। मैंने आज तक इतने सारे टेंपल नहीं घूमे जितने आज एक दिन में वृंदावन और मथुरा में मैंने कवर कर लिए हैं। इतने सारे यहाँ पे मंदिर है, हजारों टेंपल है, सारे कवर तो कर ही नहीं सकता हूँ एक दिन में। आप वहाँ
5, 6, 10 बहुत हो सकता है कवर कर पाएंगे। यही पास में ही विश्राम घाट है जहां श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। विश्राम घाट पर शाम को 7:30 बजे से आरती होती है, तो आप इस आरती का हिस्सा जरूर बने। द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और यहाँ पर आप शाम को ही जाएं, क्योंकि कई चीज़ें आपको शाम में ही देखने को मिलेंगी। अंदर कैमरा, मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है और इसे आप यहीं के क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और खूबसूरत भी है, तो यहाँ पर आप ज़रूर जाएं। कैमरा यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का सीन मैं आपको नहीं दिखा सकता। जन्मभूमि के पास में ही म्यूजिकल फाउंटेन भी है। वृंदावन आप एक दिन में ही घूम सकते हैं, पर अगर बहुत अच्छे से घूमना है तो आपको यहाँ पर हफ्ते भर भी लग सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए बहुत से फ्री आश्रम हैं और 200 से 300 रुपए में धर्मशाला भी मिल जाएगा। होटल आपको 500 से 1000 रुपए में मिल जाएगा और खाना पीना भी काफ़ी सस्ता है। ट्रांसपोर्टेशन का शेयरिंग में 200 से 300 रुपए में आप मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन कवर कर सकते हैं। कुल मिलाकर वृंदावन एक बार जो आता है वो यहाँ बार बार जाता है, तो एक बार आप यहाँ पर सब परिवार ज़रूर पधारें।